प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बुधवार की शाम वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिरों के दर्शन कर पूजन किया। शाम वृंदावन पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री ने पहले टटिया स्थान स्थित मोहिनी बिहारी मंदिर में दर्शन किए। यहां काफी देर तक दिनेश शर्मा ब्रज रज में बैठे रहे। यहां से शाम लगभग 8 बजे पूर्व उप मुख्यमंत्री ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर सेवायतों ने उन्हें ठाकुर बांके बिहारी का अंग वस्त्र और प्रसाद भेंट किया। देखिए, भगवान बांके बिहारी का दर्शन अपने आप में एक अलौकिक दर्शन है। सबके कल्याण की भावना इसमें रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबल नेतृत्व में पूरे देश का और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश का एक सर्वांगीण विकास हुआ है। 8 वर्ष उनके शासनकाल के हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली है। बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एक भव्य स्वरूप वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय नगरी के रूप में डेवलप हुई है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला का विराट मंदिर, भव्य मंदिर तैयारी उसकी पूरी जोर से चल रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया है गर्भगृह में, और अयोध्या भी अंतर्राष्ट्रीय नगरी के रूप में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें हो, चाहे विभिन्न धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार का हो, ये क्रम हुआ है। वहीं आज हम मथुरा नगरी में हैं, मुख्यमंत्री जी रंगोत्सव मनाने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो इसके डेवलपमेंट काउंसिल है उसका भी गठन हुआ है, और अब पूरे चारों तरफ बड़ी सड़कें, यहाँ का शिवृत की व्यवस्था, यहाँ पे जो तीर्थाटन के लिए आए लोगों के आश्रय की व्यवस्था, गौशालों का, धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार, और उसके साथ साथ पूरे मथुरा वृंदावन में एक धार्मिक परिदृश्य स्थापित हो सके, इसकी पूरी तैयारी, चाहे वो मथुरा विकास प्राधिकरण हो या 84 कोस की परिक्रमा के लिए डेवलपमेंट की अलग से कार्य योजना रही हो, ये एक काफ़ी बड़ी योजनाएं, 5,000 करोड़ से ऊपर की योजनाएं पूरे मथुरा के लिए हैं। माननीय यहाँ की सांसद ने प्रधानमंत्री जी से कह के चौड़ी चौड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे और बड़ी, जिसको कहना चाहिए, जमुना के आसपास सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को 1,000 करोड़ की पास कराया है। मैं कह सकता हूँ कि मथुरा भी और वृंदावन भी अभी अंतर्राष्ट्रीय नगरी के रूप में डेवलप होने की ओर है, तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बना है, और उसका कारण डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और योगी जी का बेहतर समन्वय रहा है। और अगला ओवैसी जी कह रहे हैं कि चाहे हिंदुस्तान कितना भी कहते हैं कि ज्ञान बापी मतलब जो मंदिर है, लेकिन हम उनकी मस्जिद नहीं था, चलो हम मतलब अपना दावा नहीं सुनेंगे। देखिए, ओवैसी जी कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, अभी पूरा उत्तर प्रदेश का ना तो नागरिक उनको जानता है, ना वो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जानते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पहले भी उन्होंने तमाम प्रकार की बातें कही, और आज भी कह रहे हैं। बीजेपी इन क्षेत्रों को अपना आस्था का केंद्र मानती है। मथुरा वृंदावन हो उसका डेवलपमेंट, काशी हो उसका डेवलपमेंट, आज चारों तरफ पुलों का जाल है, वहाँ पर पूरा नदियों के तटों का सौंदर्यीकरण है, आज हजारों लोग आरती, गंगा आरती के लिए आते हैं, तो इसी प्रकार से मथुरा का है। तो ओवैसी जी बोलते रहे, हम डेवलपमेंट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।